नमस्कार, दैनिक थोक मूल्य विवरणमा तपाईलाई स्वागत छ। दैनिक थोक मूल्य विवरणको साथमा उपस्थित भएको छु म राजाराम डंगल। तपाईं तरकारी तथा फलफूलको दैनिक थोक मूल्य विवरण हरेक दिन बिहान 9 बजेको समाचारपछि र बेलुका 6 बजेको समाचारपछि कृषि रेडियो 101.5 MHz र अनलाइन www.krishiradio.yz.np को साथै मोबाइल एप्लिकेशनबाट पनि एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ। दैनिक थोक मूल्य विवरणमा हामी दादिङको दुनिबिसी छ धार्केमा रहेको तरकारी बजार र काठमाडौँको कालीमाटी तरकारी बजारमा रहेको थोक मूल्य विवरण प्रसारण गर्ने गर्दछौँ। अब भने सुरु गरौँ धादिङको धार्केमा रहेको तरकारी बजारको आजको थोक मूल्य विवरणबाट। गोलभेडा प्रति किलो 15-20 रुपियाँसम्म, काउली प्रति किलो 40-42 रुपियाँसम्म, ब्रोकाउली प्रति किलो 55-60 रुपियाँसम्म, स्थानीय घिउसिमी प्रति किलो 80-85 रुपियाँसम्म, हाइब्रिड घिउसिमी प्रति किलो 95-100 रुपियाँसम्म, हरियो फर्सी प्रति किलो 25-30 रुपियाँसम्म, हरियो खुर्सानी प्रति किलो 80-85 रुपियाँसम्म, हरियो प्याज प्रति किलो 70-75 रुपियाँसम्म, हरियो लसुन प्रति किलो 75-80 रुपियाँसम्म, हरियो धनियाँ प्रति किलो 60-65 रुपियाँसम्म, बकुल्ला प्रति किलो 60-65 रुपियाँसम्म, रायोको साग प्रति किलो 30-35 रुपियाँसम्म, माछी खुर्सानी प्रति किलो 45-50 रुपियाँसम्म, भेडी खुर्सानी प्रति किलो 80-85 रुपियाँसम्म, बन्दा प्रति किलो 22-25 रुपियाँसम्म, लौका प्रति किलो 15-20 रुपियाँसम्म, काँक्रो लोकल प्रति किलो 55-60 रुपियाँसम्म, काँक्रो हाइब्रिड प्रति किलो 15-18 रुपियाँसम्म, तरुल प्रति किलो 40-45 रुपियाँसम्म, फर्सीको मुन्टा प्रति किलो 70-80 रुपियाँसम्म रहेको छ। धार्केको थोक मूल्य विवरणपछि अब भने पालो भएको छ काठमाडौँको कालीमाटी तरकारी बजारको थोक मूल्य विवरणको। ठुलो गोलभेडा नेपाली प्रति किलो 50-60 रुपियाँसम्म, ठुलो गोलभेडा भारतीय प्रति किलो 50-60 रुपियाँसम्म, सानो गोलभेडा लोकल प्रति किलो 15-20 रुपियाँसम्म, सानो गोलभेडा टँडेल प्रति किलो 20-25 रुपियाँसम्म, सानो गोलभेडा भारतीय प्रति किलो 20-25 रुपियाँसम्म, सानो गोलभेडा तराई प्रति किलो 20-25 रुपियाँसम्म, रातो आलु प्रति किलो 30-35 रुपियाँसम्म, रातो आलु भारतीय प्रति किलो 25-30 रुपियाँसम्म, सेतो आलु प्रति किलो 23-25 रुपियाँसम्म, सुकेको प्याज भारतीय प्रति किलो 35-40 रुपियाँसम्म, गाजर लोकल प्रति किलो 75-80 रुपियाँसम्म, गाजर तराई प्रति किलो 75-80 रुपियाँसम्म, बन्दा लोकल प्रति किलो 35-40 रुपियाँसम्म, स्थानीय काउली प्रति किलो 70-80 रुपियाँसम्म, स्थानीय काउली च्यापु प्रति किलो 80-85 रुपियाँसम्म, सेतो मुला लोकल प्रति किलो 50-55 रुपियाँसम्म, सेतो मुला हाइब्रिड प्रति किलो 50-60 रुपियाँसम्म, लाम्सो भन्ट्या प्रति किलो 35-40 रुपियाँसम्म, डल्लु भन्ट्या प्रति किलो 35-40 रुपियाँसम्म, तने बोडी प्रति किलो 90-100 रुपियाँसम्म, घिउसेमी लोकल प्रति किलो 110-120 रुपियाँसम्म, टाटे सिमी प्रति किलो 150-160 रुपियाँसम्म, तितो करेला प्रति किलो 40-50 रुपियाँसम्म, लौका प्रति किलो 30-40 रुपियाँसम्म, पर्व लोकल प्रति किलो 75-80 रुपियाँसम्म, पर्व तराई प्रति किलो 70-80 रुपियाँसम्म, चिचिन्डो प्रति किलो 50-60 रुपियाँसम्म, घिरौला प्रति किलो 60-70 रुपियाँसम्म, पाकेको फर्सी प्रति किलो 30-35 रुपियाँसम्म, हरियो फर्सी लाम्सो प्रति किलो 45-50 रुपियाँसम्म, हरियो फर्सी डल्ले प्रति किलो 45-50 रुपियाँसम्म, सलगम प्रति किलो 70-80 रुपियाँसम्म, भिँडी प्रति किलो 60-70 रुपियाँसम्म, बरेला प्रति किलो 80-90 रुपियाँसम्म, पिँडालु प्रति किलो 60-75 रुपियाँसम्म, इस्कुस प्रति किलो 40-50 रुपियाँसम्म, रायोको साग प्रति किलो 30-40 रुपियाँसम्म, पालुको साग प्रति किलो 70-80 रुपियाँसम्म, सम्सुरको साग प्रति किलो 70-80 रुपियाँसम्म, तोरीको साग प्रति किलो 40-50 रुपियाँसम्म, मेथीको साग प्रति किलो 70-80 रुपियाँसम्म, प्याज हरियो प्रति किलो 110-120 रुपियाँसम्म, बकुला प्रति किलो 80-90 रुपियाँसम्म, च्याउ कन्या प्रति किलो 200-220 रुपियाँसम्म, च्याउ डल्ले प्रति किलो 330-350 रुपियाँसम्म, कुरिलो प्रति किलो 400-500 रुपियाँसम्म, न्युरो प्रति किलो 80-90 रुपियाँसम्म, ब्रोकाउली प्रति किलो 90-100 रुपियाँसम्म, चुकुन्दर प्रति किलो 70-80 रुपियाँसम्म, सजीवन प्रति किलो 70-80 रुपियाँसम्म, कोइरालो प्रति किलो 300-350 रुपियाँसम्म,
बन्दा रातो प्रति किलो 120 देखि 150 रुपियाँसम्म, जिरीको साग प्रति किलो 50 देखि 60 रुपियाँसम्म, गाँठकोपी प्रति किलो 50 देखि 60 रुपियाँसम्म, सेलरी प्रति किलो 120 देखि 150 रुपियाँसम्म, पार्सले प्रति किलो 190 देखि 200 रुपियाँसम्म, सुपको साग प्रति किलो 70 देखि 80 रुपियाँसम्म, पुदिना प्रति किलो 100 देखि 120 रुपियाँसम्म, कान्टीमुला प्रति किलो 70 देखि 80 रुपियाँसम्म, इमली प्रति किलो 150 देखि 160 रुपियाँसम्म, तामा प्रति किलो 90 देखि 100 रुपियाँसम्म, तोफु प्रति किलो 90 देखि 100 रुपियाँसम्म, चुकुन्दर प्रति किलो 250 देखि 300 रुपियाँसम्म, स्याउ झोले प्रति किलो 180 देखि 200 रुपियाँसम्म, स्याउ फुसी प्रति किलो 250 देखि 300 रुपियाँसम्म, केरा दर्जन 110 देखि 120 रुपियाँसम्म, कागती प्रति किलो 230 देखि 250 रुपियाँसम्म, अनार प्रति किलो 280 देखि 300 रुपियाँसम्म, आँप मादलह प्रति किलो 60 देखि 70 रुपियाँसम्म, आँप कलकत्ते प्रति किलो 130 देखि 140 रुपियाँसम्म, अङ्गुर हरियो प्रति किलो 190 देखि 200 रुपियाँसम्म, अङ्गुर कालो प्रति किलो 280 देखि 300 रुपियाँसम्म, सुन्तला भारतीय प्रति किलो 190 देखि 200 रुपियाँसम्म, तरबुसा हरियो प्रति किलो 40 देखि 50 रुपियाँसम्म, तरबुसा पाटे प्रति किलो 25 देखि 30 रुपियाँसम्म, मौसम प्रति किलो 190 देखि 200 रुपियाँसम्म, भुइँ कटर प्रति ओटा 130 देखि 140 रुपियाँसम्म, काँक्रो लोकल प्रति किलो 60 देखि 70 रुपियाँसम्म, काँक्रो हाइब्रिड प्रति किलो 25 देखि 35 रुपियाँसम्म, रुख कटर प्रति किलो 50 देखि 60 रुपियाँसम्म, नास्पाती चाइनिज प्रति किलो 250 देखि 260 रुपियाँसम्म, मेवा नेपाली प्रति किलो 50 देखि 60 रुपियाँसम्म, मेवा भारतीय प्रति किलो 80 देखि 90 रुपियाँसम्म, स्ट्रबेरी भई ऐसेलु प्रति किलो 400 देखि 500 रुपियाँसम्म, किवी प्रति किलो 400 देखि 450 रुपियाँसम्म, अदुवा प्रति किलो 70 देखि 80 रुपियाँसम्म, सुकेको खुर्सानी प्रति किलो 300 देखि 320 रुपियाँसम्म, हरियो खुर्सानी प्रति किलो 50 देखि 60 रुपियाँसम्म, खुर्सानी हरियो बुलेट प्रति किलो 50 देखि 60 रुपियाँसम्म, खुर्सानी हरियो मासे प्रति किलो 100 देखि 110 रुपियाँसम्म, पेडे खुर्सानी प्रति किलो 90 देखि 100 रुपियाँसम्म, हरियो लसुन प्रति किलो 120 देखि 130 रुपियाँसम्म, हरियो धनियाँ प्रति किलो 70 देखि 80 रुपियाँसम्म, सुकेको चाइनिज लसुन प्रति किलो 140 देखि 160 रुपियाँसम्म, सुकेको नेपाली लसुन प्रति किलो 100 देखि 110 रुपियाँसम्म, सुकेको छ्यापी प्रति किलो 150 देखि 160 रुपियाँसम्म, हरियो छ्यापी प्रति किलो 120 देखि 150 रुपियाँसम्म, ताजा माछा रहु प्रति किलो 270 देखि 280 रुपियाँसम्म, ताजा माछा बसुवा प्रति किलो 225 देखि 235 रुपियाँसम्म, ताजा माछा छडी प्रति किलो 220 देखि 230 रुपियाँसम्म, ताजा माछा मङ्गुरी प्रति किलो 200 देखि 210 रुपियाँसम्म रहेको छ। काठमाडौँको कालीमाटी तरकारी बजारको थोक मूल्य विवरणसँगै आजको थोक मूल्य विवरणबाट म राजाराम डङ्गोल पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।